हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपा वर्मा फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल नगीना। मैं आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, जो कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन चला हुआ है, ठीक है, और सभी जगह सभी स्कूलों में ऑल इंडिया में अवकाश या छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो, इसी कारण गवर्नमेंट के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए हैं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए। और हमारे स्कूल में जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं 20 अप्रैल से। अब मैं आपको हिंदी का सिलेबस सबसे पहले बता देती हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी में क्या सिलेबस है, कौन कौन सी बुक्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप सभी को अपना जो कोर्स है वो ले लेना चाहिए। आई होप आप सभी ले चुके होंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक अपना कोर्स नहीं लिया है तो वो ले ले, क्योंकि जब आपको हम बुक्स पढ़ाएंगे तो आपको उसको समझने के लिए, उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बुक्स की जो है आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं तो आपको तो कंसंट्रेट कुछ ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसके पास बुक ना हो, बुक जितनी जल्दी हो सके उसको अवेलेबल कराइए। नेक्स्ट, आपको मैं आपकी बुक्स दिखा रही हूँ कि हिंदी में आपकी कौन कौन सी बुक्स होंगी। देखिए, सबसे पहले आपकी बुक होगी क्षितिज, 3 बुक्स हैं आपकी, क्षितिज आपकी बुक हैं। इसमें आपके काव्यखंड और गद्यखंड, 2 पार्ट में ये डिवाइड है, काव्यखंड और गद्यखंड। काव्यखंड में हम आपको यूनिट टेस्ट तक का कवर कराएंगे, यूनिट टेस्ट में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे काव्यखंड से, सूरदास और तुलसीदास। नेक्स्ट है आपका गद्यखंड, इसमें भी आपके हम 2 चैप्टर कवर करा करके चलेंगे, स्वयं प्रकाश और रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इसकी कॉपीज कैसे बननी है वो मैं आपको बताऊंगी इसके प्रोसीजर में। नेक्स्ट आपकी बुक है कृतिका, इसमें केवल हमारे 5 चैप्टर हैं, इसमें हम 1 चैप्टर को कवर करके चलेंगे अपने यूटी के लिए। नेक्स्ट आपकी व्याकरण, लास्ट टाइम भी आपने 9th क्लास में इसी बुक को स्टडी किया है, इसमें एक फर्स्ट तो है आपका ये मौखिक अभिव्यक्ति, ये तो कॉमन आपकी चलनी ही है। आपका जो मेन पार्ट है वो यहाँ पर है, देखिए खंड 4 जो आपका है व्यावहारिक व्याकरण 10th क्लास के लिए स्पष्ट किया हुआ है, इसमें क्लियर किया हुआ है ये चलना है। इसमें आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें आपके 4 चैप्टर दिए हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर को हम इसमें कवर करके चलेंगे और यूटी के लिए बता रही हूँ मैं। और इसके अलावा हम कुछ ऐसे के टॉपिक्स भी क्लियर करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर, कि हमारा प्रोसीजर कैसे चलेगा, कितने हमें नोटबुक बनानी है, कैसे हमें लिखना है। तो आपको मैं 1 by 1 करके, मान लीजिए मैंने कृतिका स्टार्ट की तो मैं आपको कृतिका का चैप्टर शॉर्ट में बताऊंगी कि इसके अंदर क्या है, आपको पूरी इसकी मैं आपको समरी बता दूंगी कि इसकी क्या है, कौन इनके राइटर हैं, सब आपको लर्न करना है। इसके बाद आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल कराऊंगी आप सभी को, लेकिन ये नहीं है कि आप उसी से लर्न कर लें, आपको अपनी एक कॉपी नोटबुक बनानी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको इसको उतारना पड़ेगा, उसी में से लर्न करेंगे। जैसे ही स्कूल खुलेगा तो आपकी ये जो कॉपी जो आपने बनाई हुई है, फेयर वर्क किया हुआ है, ये चेक होगा, ठीक है। और आपकी जितने भी डाउट्स हैं, आपको डाउट है या कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या आप कहना चाह रहे हैं कि मैम आप इसको दोबारा कवर करा दीजिए, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको इसको दोबारा कवर करा दूंगी। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रही हूँ, ठीक है, मैं बुक के ऊपर भी लिख रही हूँ, 6395492955। जिसको भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पर या कॉल करके मुझसे इसका सॉल्यूशन या जो आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपको होमवर्क, होमवर्क आपको डेली मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है, कंसेप्ट क्लियर कर दिया है, मैं आपको बता दूंगी टिपिकल वर्ड आपको देखने हैं, और सबसे बड़ी जो लास्ट में मैं आपको एडवाइस देने वाली हूँ 10th क्लास के स्टूडेंट को, वो ये देने वाली हूँ कि जिसकी भी राइटिंग पुअर है, जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करे हर हाल में, और उसके बाद अपनी स्पीड को बनाए, क्योंकि 10th क्लास में किसी भी हाल में हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, और टीचर्स या मैनेजमेंट कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका सहयोग अनिवार्य है। जब तक आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी
कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं और उसको मंजिल को पाना आपकी अपनी है। और जब स्कूल रीओपन होंगे तब भी रीओपन होंगे स्कूल, आपका सबसे पहले वर्क चेक किया जाएगा, यूनिट टेस्ट होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ दीपा वर्मा फ्रॉम गोयल पब्लिक स्कूल नगीना। आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगी। जैसा कि बताया, लॉकडाउन के चलते हर चीज़ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा हुआ है, आपकी स्टडी पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको पता होगा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस 20 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि आपकी कितनी बुक्स हैं और क्या है। बुक्स तो आप सभी ने परचेज कर ली होंगी, और देखिए 10th क्लास है, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। जिसने बुक परचेज नहीं की है, तुरंत जल्दी से जल्दी हो सके अपनी बुक परचेज कीजिए, जिससे कि सभी कंसेप्ट सभी क्लियर आपको हो जाए, कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए, एक्सप्लेन सब क्लियर हो जाए, कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो कि आपको क्लियर ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी बुक्स के बारे में बता रही हूँ। आपकी एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, देखिएगा इसमें कितने चैप्टर है, यूटी के लिए कितना तैयार करना है, वो भी मैं आपको क्लियर करती हुई चल रही हूँ। इसमें आपके 11 चैप्टर्स हैं, देखिए 11 इसमें आपके चैप्टर्स हैं, और आपको हम यूटी के लिए 3 चैप्टर आपको हम कवर कराएंगे। इसमें वीडियो के थ्रू सबसे पहले एक्सप्लेन की जाएगी चैप्टर वाइज, उसके बाद आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है आपका स्टूडेंट्स का, उन पर इससे संबंधित जो भी मटेरियल है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, एक्सरसाइजेस हो, या अदर जो मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपको इसकी एक नोटबुक बनानी है, जब हम आपको व्हाट्सएप पर आपके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस हम आपको सेंड करेंगे, तो वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है। जैसे ही स्कूल रीओपन होगा तो सबसे पहले आपका होमवर्क या जो हम वर्क दे रहे हैं वो आपका चेक किया जाएगा। तो ये बुक हो गई आपकी द फर्स्ट फ्लाइट। सेकेंड है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, देखिए इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें आपके 10 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हम कवर करेंगे। इसका प्रोसीजर भी वही रहेगा पढ़ाने का, 1 चैप्टर एक्सप्लेन हो गए वीडियो के थ्रू, आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अदर मटेरियल्स भेजा जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई कंसेप्ट आपका अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आ रही है, या कोई जो भी अदरवाइज प्रॉब्लम है इस सब्जेक्ट से संबंधित, 10th क्लास के स्टूडेंट को इंग्लिश से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 6395492955 पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे चैट के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है उसके बाद आपकी एक लगी हुई है वर्कशीट, देखिए सभी ने ले ली होगी वर्कशीट, नहीं ली है तो आप ले लीजिए, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक होती है। ठीक है, जब ये दोनों यूटी वाला हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस बुक को वर्कशीट को करेंगे जितने हमसे ये कवर हो जाएगी। होमवर्क आपको डेली दिया जाएगा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि आपको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। डेली आपको डेट टू डेट अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है। फिर आपको मैं रिपीट करा रही हूँ कि स्कूल खुलने के बाद इतना समय नहीं होगा कि हम आपको दोबारा से होमवर्क कराएं, सिर्फ प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन स्कूल रीओपन होती है आपको आपका वर्क जो है हम लोग चेक करेंगे। बोर्ड के एग्जाम है, कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडी पर, पूरी तरह से ध्यान दीजिए, इधर उधर दिमाग। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कार्तिक महाप्रजापति। मैं आप लोगों का क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। ये हमने बुक रिकमेंड की है मैथमेटिक्स 10th क्लास, RD शर्मा। आई होप आप लोगों ने सबने ले लिया होगा मार्केट से, जिसके पास नहीं है वो जो है जाके आज ले ले, और हम कल से स्टार्ट करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम जो है चैप्टर 4, सबसे पहले हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 जो है वो एक सिंपल सा चैप्टर है, जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, अगर वीडियो से ही समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर नोट्स बनाते चलें। A4 साइज़ का एक रजिस्टर आप लोग ले सकते हैं और उसमें आप डेली नोट्स को बनाएं, जो भी आप लोगों को क्लास वर्क दिया जा रहा है और होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर करें। ठीक है, आई होप आप लोग सब घर पे हों, अच्छे हों। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आई एम फहीम अहमद अंसारी, गोयल पब्लिक स्कूल नगीना। आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स ऑफ क्लास 10th। दिस इज द बुक ऑफ फिजिक्स। इसके कंटेंट्स में 6 चैप्टर हैं।
जिनमें से यूनिट फर्स्ट के लिए आपको मैं फर्स्ट चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी है उसे कराया जाएगा। उसमें अपने आप में बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को जैसे टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है इसी को एक्सप्लेन किया जाएगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे टॉपिक क्या हैं इन सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है जैसे अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज पर, और आगे और हमारे पास है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक करंट्स, हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे टॉपिक को हम एक्सप्लेन करने के बाद इसकी जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस आंसर आपको कराएंगे, कॉपी अपने मोबाइल पर आपको इनके आंसर लिखकर भेज दिए जाएंगे। इन्हें करने में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8923225212 पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें, आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं देश में इस टाइम लाइव लॉकडाउन है, और लॉकडाउन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए रेस्पेक्टेड उपकार सर मैनेजर सर ने ये डिसीजन लिया है कि आपकी पढ़ाई ना छूटे और आपका टच पढ़ाई से बना रहे, इसलिए उन्होंने क्लास जो है ऑनलाइन क्लासेस चलाने का डिसीजन लिया है। आपको जो भी लिखवाया जाए आप एक अलग कॉपी बनाकर उसको नोट कर लें, जब स्कूल रीओपन होगा तो आपकी वो कॉपीज चेक होंगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, I am Mr. Arjun Singh, PGT Chemistry. I am going to teach you science in 10th class. This is the book of science. If you don't have science book, please purchase it. अगर आपके पास स्टूडेंट साइंस की बुक नहीं है तो प्लीज़ परचेज कर लीजिएगा। As you know, what is the status of our country at this time? जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में COVID-19 डिजीज़ की वजह से एरा ऑफ क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद हैं। ऐसी सिचुएशंस में स्कूल खोलना पॉसिबल नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी जो पढ़ाई का लॉस ना हो, आपकी जो प्रिपरेशन है वो चलती रहे हैं, तो हम आपको पर डे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया करेंगे। दिस इज़ द बुक ऑफ साइंस, आप देख रहे हैं साइंस की बुक है। दिस बुक हैज़ 3 सेक्शंस आउट ऑफ विच आई विल टीच यू ओनली 2 सेक्शंस सच एज केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। साइंस की बुक की अगर हम बात करें, साइंस में 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट सेक्शन केमिस्ट्री, सेकंड बायोलॉजी, थर्ड फिजिक्स। इन 3 सेक्शंस में 2 सेक्शन में आपको पढ़ाऊँगा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन की, तो केमिस्ट्री का जो सेक्शन है आपको यूनिवर्सल साइंस, अनुपमा भंडारी इसके राइटर हैं, पियर्सन पब्लिकेशन की ये बुक है, इससे आपको केमिस्ट्री का सेक्शन पढ़ना होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंटेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ कंटेंट्स केमिस्ट्री में 5 है, 3 आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 5। हम आपको यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यूनिट टेस्ट तक हम आपको 2 चैप्टर ही कराएंगे। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसमें आपको पढ़ना होगा केमिकल चेंज, केमिकल इक्वेशंस, कन्वर्जन ऑफ ए वर्ड इक्वेशन इनटू ए केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, एविडेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Now the talking about the chapter number 2 in chemistry, that is acids, bases and salts. इसमें आपको पढ़ना होगा acid and bases, what are bases, importance of pH in everyday life, salts and last are the crystals of salt really. अब स्टूडेंट्स हम biology sections की बात कर लेते हैं। biology sections जो हैं आपको इसी book से पढ़ना होगा, science NCERT से। तो biology के जितने भी chapter हैं आपको science NCERT से कराए जाएंगे। अब मैं आपको पर डे चैप्टर एक्सप्लेन किया करूँगा, और जिस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन किया करूँगा कोशिश करूँगा कि उसकी सारी क्वेरीज़ जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर कराई जाए, और हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट रह जाए, कुछ क्वेरी अगर आपके माइंड में हो या कोई डाउट्स आपको लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 7983009963, इस पर आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। हेलो स्टूडेंट, आई एम विनय प्रताप सिंह, योर एसएसटी टीचर। स्टूडेंट, एज यू नो ऑल दैट ड्यू टू कोरोना वायरस COVID-19, द गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड ऑल पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉलेजेस टिल further order. Dear manager sir, dear Upkar sir of Goel Public School Nagina has decided to start conducting online classes for you under his supervision so that your studies are not लॉस्ट। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको SST पढ़ाऊंगा और SST की सभी बुक्स NCERT बुक हैं जो कि आपके पास हैं। अगर हम फर्स्ट बुक को देखें तो इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, इसका फर्स्ट पार्ट आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसे हिस्ट्री कहते हैं। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका इकोनॉमिक्स है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ये आपका सिविक्स है। और इसके नेक्स्ट फोर्थ बुक है आपकी ज्योग्राफी। स्टूडेंट, आपके पास एक लैब मैनुअल होगा। लैब मैनुअल में इसका इंडेक्स देख लें आप, जो लेसन आपको मुझे कराने हैं यूनिट एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हम जो सबसे पहले सिलेबस कराएंगे वो आपके यूनिट एग्जामिनेशन के सिलेबस ही कराएंगे, जो कि आपका जुलाई मंथ में स्टार्ट होंगे। सो स्टूडेंट, हिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेसन आपके दिए हुए हैं। इसमें से लेसन नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड लेसन नंबर सेकंड, द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना। ये फर्स्ट टू लेसन आपके यूनिट एग्जामिनेशन के लिए जो के जुलाई में कंडक्ट किए जाएंगे, ये उसका सिलेबस है। नेक्स्ट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में अगर हम देखें बेटा तो लेसन नंबर 1, 2 इसमें मिसिंग है, 2 दिया हुआ नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7 तो इसके फर्स्ट टू लेसन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, ये दो लेसन, ओनली टू लेसन आपके जो हैं यूनिट एग्जामिनेशन के लिए कराए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स, इसमें बेटा इसमें भी ये देखेंगे तो 8 लेसन है, और 8 लेसन से ओनली 2 लेसन, पावर शेयरिंग फर्स्ट लेसन एंड लेसन नंबर सेकेंड इज फेडरलिज्म, ये 2 लेसन आपके यूनिट एग्जामिनेशन के लिए जो कि जुलाई में होंगे उसके लिए कंप्लीट कराया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स सेकंड, इसमें बेटा 5 लेसन है, और इसमें भी फर्स्ट 2 लेसन डेवलपमेंट एंड द लेसन नंबर सेकंड इज सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये 2 लेसन आपके जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो यूनिट एग्ज़ाम होंगे उसका सिलेबस आपका ये तैयार किया जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको सारे चैप्टर्स जो हैं 1 by 1 पैसेज बाई पैसेज, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट या टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर करूँगा। उसके बाद इसकी जितनी भी एक्सरसाइज होगी, जैसे कि आपके वर्क मैनुअल में एक्सरसाइज दी है, जैसा कि आपने लास्ट ईयर किया हुआ है, जैसे आपके ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म है, मैचिंग टू ए बी है, और ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ राइट आंसर इन 20 वर्ड्स हैं, राइट आंसर इन 80 वर्ड्स हैं, राइट आंसर इन 100 वर्ड्स हैं, ये आंसर जो है मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सिर्फ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिस भी माध्यम से कराऊंगा उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्टूडेंट, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आया, या किसी भी एक्सरसाइज का कोई आंसर समझ नहीं आया, या कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपका अनक्लियर है, या कुछ भी टॉपिक ऐसा रहा है जो कि आपके समझ नहीं आ पाया, तो बिना किसी संशय के, बिना किसी
प्रॉब्लम के आप मुझे डायरेक्टली मेरे पर्सनली नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा पर्सनली नंबर लिख लीजिए आप सभी, 9456911968। और मेरा एक एडिशनल नंबर और है बेटा, 9997906385। इन दोनों नंबर पर आप मुझे आपके जो डाउट्स होंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी, वो डायरेक्टली चाहे तो आप टेक्स्ट के मीन से या ऑडियो कॉल के मीन से या व्हाट्सएप के मीन से, मुझे आप किसी भी मीन से आप अपनी प्रॉब्लम या अपना जो अनक्लियर कॉन्सेप्ट है या अनक्लियर टॉपिक है वो मुझे सेंड कर दीजिए, और मैं 100% उसका सॉल्यूशन आपको एट अ टाइम ही करा दूंगा। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ग्रुप में कोई भी मैसेज ना करें, पर्टिकुलर यानी कि मेरे सेपरेट नंबर पर ही आप मैसेज करें। ओके स्टूडेंट, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो ग्रुप में कोई भी अपना जो डाउट ग्रुप में ना भेजें, सिर्फ अपना डाउट मुझे पर्सनली चाहे ऑडियो कॉल करके, वीडियो कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, जो भी मीन्स आप चाहें उस मीन से आप अपना अनक्लियर टॉपिक मुझे सेंड कर दीजिए, और मैं 100% उसका एट अ टाइम ही सॉल्यूशन करूँगा। ओके स्टूडेंट, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास हो, आपके पास सबसे पहले हिस्ट्री की बुक होनी चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले हिस्ट्री ही क्लियर करेंगे, हिस्ट्री का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि टाइम बहुत कम है लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइडिस होने के कारण मैं सिलेबस को थोड़ा जो है ज़्यादा डीपली ना लेकर के लाइटली लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें, सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर ज़रूर करूँगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो कि मैं आपको ना बताऊँ या क्लियर ना करूँ। सो स्टूडेंट, कोऑपरेट मी और अपनी हिस्ट्री की बुक सबसे पहले आप लेकर बैठिए, और सभी स्टूडेंट के पास जो है बुक उस समय होनी चाहिए, और मैं वर्ड टू वर्ड और टॉपिक टू टॉपिक और पैसेज टू पैसेज आपको सारे स्टोरी बाय स्टोरी, स्टोरी के माध्यम से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।